आज मैं लाया हूँ आपके लिए सोलोमन सिनफ्राइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MS चौहान। तो यार सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ यार लाइक कर देना, क्योंकि देखिए मैं करीबन 10 बार वीडियो बना चुका हूँ पूरी बुक रिव्यू की MS चौहान की ही, वो भी और सोलोमन फ्राइल की। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि 10ों की 10 वीडियो में वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही थी, और फाइनली अब जाके वीडियो क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो प्लीज़ यार काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी यार टाइम भी लगा है, तो मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, और 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसे भी कंप्लीट करने में मेरी मदद कीजिएगा। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं इसकी, और उससे भी पहले इसका हाइट और थोड़ा मोटापा की बात कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इतनी मोटी बुक है ये, आप कह सकते हैं RD शर्मा इतनी मोटी तो है, जो 9th-10th क्लास में आती है, 11th में भी आती है। अब देखिए इसकी प्राइस, देखिए पूरी बुक में एक्चुअली मुझे मिल नहीं रही है, हर जगह इसके अंदर से लेके बाहर तक मैंने देख लिया लेकिन प्राइस नहीं मिल रही है। लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लाइक आपको 800 से 900 रुपये की आपको इजीली मिल जाएगी, तो उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट वाली मिल जाएगी, अभी मेरे पास 2015 वाली है, और ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास चेंज होता नहीं है, जैसे जैसे ईयर पास होते जाते हैं बस थोड़ा बहुत थ्योरी में मुश्किल से ऐड हो जाता होगा, कुछ 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं होता है, तो सेकंड हैंड भी विदाउट एनी टेंशन ले सकते हो। बात करूँ कौन कौन से चैप्टर इसमें इंक्लूडेड हैं, देखिए पहला तो यहाँ पे आ जाता है कार्बन कंपाउंड्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, रिप्रेजेंटेटिव कार्बन कंपाउंड्स, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक रिएक्शंस, अल्कीन्स मतलब सॉरी अल्केन्स, स्टीरियो केमिस्ट्री, आयनिक रिएक्शंस, अल्कीन्स एंड अल्काइन पार्ट 1 देख सकते हैं, पार्ट 1 है भाई, एक सेकेंड, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स पार्ट 2, रेडिकल रिएक्शंस, एल्कोहल्स एंड एथर्स, एल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कंजुकेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, रिएक्शंस एट एरोमेटिक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन पार्ट 1, एल्डिहाइड एंड कीटोन पार्ट 2, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, अमाइंस, फिनॉल्स एंड एराइल हैलाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइन नो एसिड एंड प्रोटीन्स, कार्बिन एंड कार्बनॉइड्स, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ऑक्सीजन। तो भाई ये था पूरा कंटेंट जो कि इसके अंदर आएगा, मतलब इसके नो जो भी चैप्टर्स वगैरह इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। आगे बात करूँ, देखिए किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और किस तरीके से इसमें चैप्टर हैं। देखिए पहला चैप्टर ले लेते हैं कार्बन एंड केमिकल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन की बात की जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और सबसे खास बात यह है इंट्रोडक्शन की कि इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी बताया हुआ है। हिस्ट्री के बारे में मतलब कि साइंटिस्ट पहले क्या सोचते थे उस चीज़ से रिलेटेड, देन बाद में उन्होंने कैसे डिस्कवरी की, देन अब क्या सोचते हैं, तो बहुत ही अच्छी प्यारी हिस्ट्री दी हुई है। प्लस यहाँ पे कुछ कुछ बीच बीच में आपको डायग्राम्स देखने को मिलेंगे जो कि आप समझने के लिए काम चला सकते हैं, मतलब अच्छा है, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है, मुझे नहीं पता लेटेस्ट वाले में कलरफुल आया है नहीं आया है, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं अगर ब्लैक एंड वाइट भी रहेगी तो। आगे देखा जाए, देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे सॉल्व प्रॉब्लम्स करके, इनका जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, मतलब आप इसे बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा खास इसमें प्रॉब्लम मतलब ना समझने के लिए, ये सिर्फ शुरुआत में समझने के लिए। आगे मैं अगर मैं बताना चाहूँगा, देखिए इसकी जो बैक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है पूरे चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका क्या मतलब है, देखिए एक्सरसाइज का जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पड़ा हुआ है प्रॉब्लम 1.1 के नाम से, देन कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसे ही बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कन्फ्यूज मत होइए। इसमें काफ़ी अच्छा है, मतलब थ्योरी दिया हुआ है, मतलब थ्योरी के नाम पर ये बेस्ट बुक कहें तो बुरा नहीं रहेगा, ठीक है। सॉल्व्ड एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे हैं, इसमें आप सीख सकते हैं बेसिक से काफ़ी अच्छे लेवल तक, जैसे जैसे चैप्टर मतलब मतलब एग्जांपल्स पास होते रहते हैं वैसे वैसे उनका लेवल काफ़ी अच्छा होता जाता है, ओके। और जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे देखिए यहाँ से शुरू हो जाती है बैक एक्सरसाइज,
लेकिन जो उसके स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो कितना है 1.13। इसका मतलब 1.13 से क्वेश्चन जो पहले के क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे आपको चैप्टर के बीच बीच में मिलेंगे। तो कुछ देखिए, इसमें सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको, सिंगल क्रैक देखने को मिलेगा, मैट्रिक्स टाइप, लिंक कॉम्प्रिहेंशन और एंड में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसे दिए हुए हैं कि आप आराम से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा डिटेल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब जीरो लेवल से मतलब सॉल्व करके दिखाया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। एक को मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या इंक्लूडेड रहता है। यहाँ पे की एंड टर्म्स दिया हुआ है जिसे आप रिवाइज कर सकते हैं या फिर आप ढूंढ सकते हैं कि इस चैप्टर में वो टर्म आया है या नहीं आया है। प्लस यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा चार्ट दिया हुआ है जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा चार्ट है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट समरी कह सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तो इसी के साथ सोलोमन फ्राइल का बुक रिव्यू कम्प्लीट हो चुका। अब बात आ जाती है भाई, इस बुक को आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, घुमा फिरा के बोला जाए और शॉर्टकट में बोला जाए तो आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, मैं इसमें कुछ ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चौहान जी के खिलाफ हूँ या फिर ये बुक बेकार लिखी गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भाई, आपके पास अगर 2 साल का टाइम है, अगर आप 11th से स्टडी करते हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं तो सिर्फ 1 साल का टाइम है, तो इतने कम टाइम में यार इतनी मोटी बुक कंप्लीट कर पाना सीम्स इम्पॉसिबल, काफ़ी मुश्किल है। ये बुक मात्र टीचर्स के लिए दी हुई है, जिनके पास फालतू टाइम पड़ा रहता है या फिर जो बैठे रहते हैं, ठीक है ना, वो पढ़ सकते हैं आराम से टीचर लोग, लेकिन आपके लिए नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे अपने टॉपर वगैरह को, टीचर वगैरह को, काफ़ी सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार इसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हम पढ़ते हैं या फिर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं, तो यार उस बात को आप प्लीज़ फॉलो ना करें। यह मेरा एडवाइस है कि देखिए, मात्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1/3 होता है, केमिस्ट्री इन सब का 1/3 होता है, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कितना मतलब। और ऑर्गेनिक में मतलब ऐसा नहीं है यार, और वो भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने के लिए 900-800 रुपये खर्च करना प्लस अपना टाइम लगाना, इतनी बुरी मोटी बुक को कंप्लीट करना, यार मैं बिल्कुल वाइज ऑप्शन नहीं माना जाऊँगा। लेकिन अगर आप फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप 11th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, और एकदम रूल बना लीजिए कि 5 पेज या फिर 10 पेज या फिर 1 चैप्टर 1 हफ्ते में, 1 दिन में या फिर 1 महीने में कंप्लीट करते रहना है, तब जाके ये बुक आपसे कंप्लीट हो सकेगी। लेकिन MS चौहान जी की एक और आती है बुक एडवांस प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी भी इसमें काफ़ी अच्छी दी हुई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको अपना सजेशन बता दिया है, आप समझ गए होंगे कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन प्लीज़, आपके पास फिजिक्स भी है, मैथ भी है, तो उस पर थोड़ा और फोकस कीजिए। और केमिस्ट्री स्पेशली ज़्यादा हार्ड आती नहीं है एडवांस में या फिर मेंस में, तो प्लीज़ वाइजली चूज़ कीजिए। प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं लगभग 10 वीडियो में ख़राब कर चुका हूँ क्योंकि इसमें ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार आ रही थी। हो सकता है शायद इस वीडियो में भी ज़्यादा खास ना आ रही हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है वो। तो थैंक यू।